जय माता दी। आज हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का एक चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है द बेस्ट स्टोरी। एक भालू की कहानी है ये, द बेस्ट स्टोरी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और किस तरीके से एट द एंड आपको ये फील होगा कि बिल्कुल भी जो काम आप वैसे करने की नहीं सोच सकते और आपसे अननोइंगली ऐसा काम हो जाता है, वो कौन सा काम है वो आपको पता चलेगा इस स्टोरी के बाद। तो बेस्ट स्टोरी शुरू करते हैं। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड ए बेयर एज पैट। एक मतलब जमींदारों वाला, मतलब काफ़ी बड़ा सा एक घर है जिसमें एक लेडी रहती है और उस लेडी के पास एक पैट है जिसका नाम है, सॉरी वो है बेयर, एक भालू है जो पैट है वो। डोंट यू थिंक कि एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा ही पैट वगैरह की स्टोरीज कुछ ज़्यादा ही हैं, चाहे वो पैट्स की शॉप हो, चाहे कोई वो और कोई पैट हो, चाहे चांदनी नाम की कोई गोट पैट हो, और इसमें है पैट एक बैर। इट वॉज मोस्ट फ्रेंडली बैर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। तो जो बैर है वो काफ़ी फ्रेंडली है, किसी को हार्म नहीं करता है, वेजिटेबल्स एप्पल्स और हनी वगैरह खाता है और पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता है और रात को चेन में बांध दिया जाता है। ऐसा है हमारा बैर। अब आगे देखते हैं हम इस स्टोरी में क्या होता है। तो ये जो भालू की कहानी है इसे हम पढ़ते हैं। देयर वंस ए लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैन और हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट। एक बड़ा से जंगल के किनारे एक पुराने से मैनोर हाउस में एक लेडी रहती है। मैनर हाउस, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी बड़ा जागीरदारों के टाइप का घर, तो उसमें काफ़ी मतलब एरिया काफ़ी होता है उस घर में। तो दिस लेडी हैड ए पैट बेयर, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट। और उस लेडी के पास में एक पालतू भालू होता है और वो उसे बहुत पसंद होता है। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर, सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। ये जो है, ये जो भालू जो उसका पालतू है, ये इसे उसे जंगल में मिला था, जंगल में अधमरी हालत में। अधमरी हालत किसके? भूख के कारण। वो एकदम हेल्पलेस था, छोटा सा था, इतना छोटा कि उसे बोतल पे बिठा के ले आए थे। कौन कौन? वो लेडी और उसकी एक ओल्ड कुक, दोनों मिलकर लेकर आए थे उसे फॉरेस्ट से। काफी छोटा सा था वो। दिस वॉज सेवरल वेरी यंग एंड नाउ इट हैज ग्रोन अप टू अ बिग बैर, सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ ही हैड वॉन्टेड टू। अब क्या हुआ कि ये सब कुछ हुआ था कुछ सालों पहले, लेकिन अब तो वो जो बैर है वो काफी बड़ा हो गया और पूरा ग्रोन अप हो चुका है, बड़ा सा भालू बन चुका है। एक इतना बड़ा और स्ट्रोंग भालू कि वो एक काऊ को लेकर उसको मतलब मार के उसको उठा के अपने पंजों में और ले जा सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। बट ही डिडंट नॉट वॉन्ट टू, वो कभी ऐसा चाहता नहीं है। ही वॉज ए मोस्ट एमिएबल बैर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट। मतलब वो इतना फ्रेंडली एमिएबल, मतलब इतना फ्रेंडली बैर है कि वो कभी किसी को हार्म करने की सोचता ही नहीं है, चाहे कोई मैन हो चाहे कोई बीस्ट हो, किसी को हार्म नहीं करता है। वो इतना फ्रेंडली है, इतना मतलब अच्छा है वो। ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आईज मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय। वो बाहर अपने कैनल के, मतलब जो उसका घर है उसको कैनल, तो अपने कैनल के बाहर बैठकर वो अपनी छोटी छोटी स्मॉल इंटेलिजेंट आईज से देखता रहता है, एकदम फ्रेंडली नज़र से, जब कोई आसपास में कोई कैटल ग्रेज कर रहे होते हैं, चर रहे होते हैं जो फील्ड में, जो पास का फील्ड में जो कैटल चर रहे होते हैं, उनको एकदम एमिकेबली देखता है, मतलब काफ़ी फ्रेंडली मैनर में, कि उनको उसको कोई शिकार नहीं करता कुछ भी, किसी भी एनिमल, कोई बीस्ट मैन, किसी को हार्म नहीं करता वो। द थ्री शैगी माउंटेन पोनी इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट वैन ही शफल्ड इन टू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस। और दो
तीन सैगी मतलब जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, तो माउंटेन पॉनीज मतलब खच्चर है तीन ऐसे बड़े बड़े बालों वाले, तो उसको वो जानते हैं और वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करते हैं। वो कभी भी स्टेबल में आ जाए अपने अपने मिस्ट्रेस के साथ में, कभी भी उन्हें देखता है उनको भी कोई हार्म नहीं करता है वो। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड असलीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पॉज। बच्चे भी उसकी पीठ पे सवार हो जाते हैं, मतलब इतना जो भालू है वो इतना फ्रेंडली है कि बच्चे उससे खेलते रहते हैं। कई बार तो उसकी कैनल में सो भी जाते हैं उसके दोनों पंजों के बीच में, मतलब बिल्कुल भी किसी को डर नहीं लगता कि हार्म कर सकता है किसी को। द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम विद हिम, पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ ए टेल। मतलब सबके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, पोनीज, डॉग्स, डॉग्स और चिल्ड्रन, मतलब कोई भी उससे डरता नहीं है, किसी को वो हार्म नहीं करता है। यहाँ पे जो डॉग्स बताए हुए हैं, तीन डॉग्स जो वो उसके साथ में अक्सर खेला करते हैं, उसके कान पकड़ के खींच लेते हैं इस तरीके की, उसको उसकी टेल पकड़ कर उसको टीज करते हैं छोटी सी जो टेल पकड़ के, बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट। मतलब वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता, वो किसी को भी हार्म नहीं करता है, वो इतना सीधा सादा सा भालू है। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, ब्रेड, पॉरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। और वो ये सारी चीजें तो माइंड करता ही नहीं है, साथ साथ में वो उसने कभी मीट टेस्ट किया ही नहीं। मतलब हमारा जो ये बैर है ये प्योर वेजिटेरियन है, उसने कभी मीट को नहीं हाथ लगाया है, वो वही खाना खाता है जो डॉग्स वगैरह खाते हैं। इनफैक्ट उनकी कई बार उनकी प्लेट से भी खा लेता है, उनकी ब्रेड, पॉरिज, मतलब दलिया टाइप कुछ भी जो हम कुक करते हैं वाटर या मिल्क से के साथ में, जो अनाज कुक किया जाता है तो वो दलिया ही होता है, और पटेटो, कैबेज जो होती है, पत्ता गोभी, आलू, टर्निप, सलगम, ऐसी चीजें खाता है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थ्री डॉगीज के साथ में कैसे ये बैर के साथ में खेल रहे हैं, इतना फ्रेंडली है ये। ही हैड ए फाइन एपेटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गोट हिज फिल। और वो मतलब काफी अच्छा खाना खाना पसंद करता है, उसके जो फ्रेंड कुक वगैरह है वो सारा उसका ध्यान रखते हैं। तो ये बैर के बारे में हमने देखा कि बैर जो है वो कितना फ्रेंडली है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट वन इज कहाँ पर थे, ही गॉट इज बैर्स आर वेजिटेरियन इफ दे हैव ए चांस एंड फ्रूट्स इज वॉट दे लाइक बेस्ट। और अगर बैर्स वेजिटेरियन भी होते हैं अगर उनके पास कोई चांस होता है, जैसे इसने कभी मीट नहीं खाया तो ये प्योर वेजिटेरियन है। और जब वेजिटेरियन होते हैं जो बैर्स, वो फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड एंड इन हीज यूथ डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनएबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइम द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू ए हैंडफुल ऑफ देम। वो बेचारा पूरा ऑटम के सीजन में बैठा रहता है और देखता रहता है ऐसे ऐसी आंखों से कि ये जो एप्पल्स पक रहे हैं ऑर्चर्ड में, बगीचे में, ये उसे मिल जाए, लेकिन वो खुद जाकर नहीं लेता क्योंकि उसने अपने यूथ डेज में कुछ ऐसी चीजें की थी। कई बार वो अपनी पहले यूथ डेज में जब वो छोटा था तब अपनी टेम्पटेशन को रोक नहीं पाता था, रेजिस्ट द टेम्पटेशन मतलब जो अपनी इच्छाएं थी उनको रोक नहीं पाता था, और वो ट्री पे चढ़ जाता था और ट्री पे चढ़कर वो कुछ फ्रूट्स ले लिया करता था जब वो छोटा हुआ करता था। अब वो ऐसा कुछ नहीं करता है। बैर्स लुक क्लम्जी एंड स्लो इन देयर मोमेंट्स बट ट्राई ए बैर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन इजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। बैर जो होते हैं वो नॉर्मली तो जो होते हैं ना एकदम शांत से, ढीले ढाले से, मतलब ऐसे चलते हैं बिल्कुल ऑकवर्ड मोमेंट से, मतलब धीरे धीरे स्लो मोमेंट करते हैं, लेकिन उनको कभी एप्पल ट्री दिखा दो आप, और अगर उसे एप्पल ट्री आपने दिखाया तो वो इतना जल्दी भागेगा जैसे कोई स्कूल बॉय होता है ना, तो उस कंपटीशन में कोई किसी स्कूल बॉय को भी वो पीछे छोड़ देगा।
Now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apple that fell to the ground. और अब वो क्या है कि वो काफी समझदार हो गया है. पहले जब छोटा था तब वो काफी ऐसी हरकतें करता था, वो अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाता था, तो कई बार पेड़ों पे चढ़ जाता था एप्पल लेने के लिए. लेकिन अब उसे ये समझ में आ गया है कि ये कानून के खिलाफ है. मतलब उसको डर लगता था उसको, क्योंकि बचपन में डांट पड़ी होगी, तो उसे अब पता चल गया था कि ये अगेंस्ट द लॉ है कि अब तू तो मैं ना ऊपर चढ़ के पेड़ के तब एप्पल नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई अगर नीचे गिर जाता है, ग्राउंड पे गिर जाता है, तो वो तुम खा सकते हो. तो वो एकदम आंखें अपने खोल के और इंतजार करता रहता है कि कोई एप्पल गिरे ग्राउंड पे ताकि वो खा सके. देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बी हाइव. ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाई बींग पुट ऑन द चेन फॉर 2 डेज विद अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन. तो उसको कुछ डिफिकल्टीज है बी हाइव से भी, मतलब मधुमक्खियों के छत्तों. बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता जिसमें मधुमक्खियां रहती हैं, उनका होम. तो उनसे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि ऐसे कुछ शहद चुराते वक्त उसके साथ हुआ होगा कुछ ऐसा इंसिडेंट, उसके बाद में उसको पनिश किया गया और उसकी जो रनिंग जो उसकी जो नोज थी वो भी ब्लीड कर रही थी. और अब उसको ये समझ में आ गया है कि 2 दिन तक उसको इसके लिए बांध के रखा गया था इस हरकत के लिए. तो अब वो कभी ऐसा कुछ करता नहीं है बिना परमिशन के, या फिर उसको फ्रूट जब प्रोवाइड किए जाते हैं, हनी प्रोवाइड किया जाता है तभी वो लेता है. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट, एंड क्वाइट राइटली सो, फॉर अ बैर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड इफ कैप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर. उसको चेन में तभी बांधा गया था और उसके बाद में उसने ऐसी हरकतें करना बंद कर दिया. अब उसे चेन में नहीं बांधा जाता, सिर्फ रात को ही उसे चेन में बांधा जाता है, क्योंकि रात को जैसे डॉग्स होते हैं ना, कई बार ऐसे इल टेम्पर्ड हरकतें करने लग जाते हैं, कुछ ऐसी हरकतें जो मतलब बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो वो इल टेम्पर्ड हरकतें कई बार बैर भी करने लग जाते हैं, इसलिए उसको रात को चेन में ही बांधा जाता है. ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज. उसको सिर्फ रात को ही नहीं, संडे को भी चेन्स में बांधा जाता है. वैन इज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन ए सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक. तो क्योंकि संडे को उसकी जो मिस्ट्रेस है ना, वो जाती है अपनी बहन से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी बहन की जो शादी हो रखी है वो एक सॉलिटरी हाउस में रहती है, मतलब अकेला घर है, तो वो मे बी बोर हो जाती होगी, तो वो माउंटेन लेक के पास में माउंटेन लेक की दूसरी साइड में वो रहती है, और वहाँ पर वो जाती है उसकी मिस्ट्रेस अपनी बहन से मिलने के लिए संडे आफ्टरनून को. अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट. और वो जाती कैसे है, फॉरेस्ट के बीच में से जाती है और वॉक करते हुए जाती है, मतलब पैदल जाती है. इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल हिज टेम्पटेशंस. इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड. और ये उसके लिए सही नहीं है, इसलिए वो भालू को साथ में नहीं लेके जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट में लेकर जाना एक भालू को, और वो भी उसकी टेम्पटेशन के साथ में भी उसे पता नहीं क्या दिख जाए और वो क्या खाने लग जाए, क्या हरकतें करने लग जाए, इसलिए उसको बेटर है कि उसको घर पे ही छोड़कर जाए. ही वॉज ऑल्सो ए बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच ए फ्रेट एट ए सडन गस्ट ऑफ विंड दैट ही हैड अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर. और वो एक अच्छा एक बैड सेलर भी है. कौन? भालू. क्यों है? क्योंकि एक बार उसके साथ हो भी रखा था, एक बार उसकी मिस्ट्रेस जो है उसको पानी के रास्ते एक बोट में बिठाकर वो वहां पर ले जा रही थी, तो उसने क्या किया, एकदम से गस्ट ऑफ विंड आया, मतलब हवा का झोंका आया, और उसे वो इतना एकदम से डर गया था वो जो भालू था, तो उसकी वजह से वो बोट है वो हिलडुल के फिर वो बोट से गिर गए, और वो भालू और उसकी मिस्ट्रेस दोनों को जो नदी के किनारे स्विम करके आना पड़ा. तो मतलब वो रास्ता भी उसके लिए सही नहीं है, वाटर का भी, और फॉरेस्ट में भी सही नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट में उसकी टेम्पटेशन पता नहीं कब क्या करने की इच्छा हो जाए. नाउ ही न्यू क्वाइट वेल वॉट इट मीन्ट वैन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज. अब वो बहुत अच्छे से समझ गया है कि उसकी मिस्ट्रेस उसको संडे को चेन में क्यों बांधती है, क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी बहन से मिलने जा रही है.
विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एबसेंस। वो हमेशा जाते वक्त एक फ्रेंडली टैप करती है उसके सर पे, भालू के सर पे, और उसे प्रॉमिस करती है कि जब वो वापस आएगी तो उसे एक एप्पल देगी, वो भी तब जब वो उसके एब्सेंस में बहुत अच्छे से रहेगा, मतलब कोई शरारत नहीं करेगा। ही वॉज सॉरी बट रिजाइन लाइक अ गुड डॉग। उसको पता है, मतलब उसको काफी बुरा लगता है कि वो उसके साथ में नहीं जा सकता, यहाँ पे चेन में बंधा रहता है, लेकिन वो क्या करे, वो बेचारा इस चीज को अपना लेता है, जैसे कि एक अच्छा डॉग जो अपना लेता है कि जो कहते हैं उसकी मिस्ट्रेस या मास्टर वो करता है। व्हेन इज मिस्ट्रेस टेल हिम ही कांट कम विद हर फॉर अ वॉक, क्योंकि जब उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि वो उसके साथ नहीं चल सकता है तो वो उस चीज को मान लेता है। अब ऐसे ही संडेज को वो जब उसकी मिस्ट्रेस जाती है अपनी बहन के घर पे, तो वैसे ही एक संडे होती है, वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप एज यूजुअल एंड वाज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ ट्री ब्रांच ऑफ द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। एक संडे को जब उसकी मिस्ट्रेस जा रही थी जंगल के रास्ते अपनी बहन के घर पे, और वो आधे रास्ते पहुंच गई थी फॉरेस्ट के, उसने आधे रास्ते में क्या देखा कि कुछ क्रैकिंग की साउंड आ रही है, जैसे कि कोई ट्री ब्रांच टूट गई हो। वो भी कहाँ पे, एक मोड़ होता है फुटपाथ पे, उस पे उसके पीछे उसको ऐसी आवाज आती है, उस टर्न पे ऐसी आवाज आती है कि कोई ट्री ब्रांच टूटी हो। सी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बेयर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। वो पीछे देखती है तो देखती है कि एक भालू आ रहा है पूरी स्पीड में भागता हुआ। बेयर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली, बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन ए ट्रोटिंग हॉर्स। माना कि जब जो बियर्स होते हैं वो, वैसे तो बेयर्स जो होते हैं वो बहुत स्लोली चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब उनका दौड़ने का मन होता है ना, तो वो इतने तेज दौड़ते हैं जैसे कि रेस का घोड़ा दौड़ता है। इन ए मिनट ही हैड ज्वाइंड हर। एक मिनट के अंदर वो उस लेडी के पास पहुंच गया, मतलब मिस्ट्रेस के पास पहुंच गया, पांटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल मतलब वो क्या कर रहा था, हांप रहा था, सांस ले रहा था नाक से जब मतलब आवाज आ रही थी, और टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स। और जैसे डॉग्स होते हैं ना, जैसे कैसे अपने मालिक को अपने हील्स पे खड़े हो जाते हैं, उस तरीके से वो कर रहा था। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, सी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, सी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी टू हिम टू हैव डिसोबेड हर। अब जो लेडी थी उसको काफी गुस्सा आ रहा था, एक तो वो ऑलरेडी लंच पे लेट हो गई थी कि उसको वैसे ही बहुत लेट हो रहा था, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस बैर को पकड़े और घर पे वापस बांध कर आए, उसको बिल्कुल टाइम नहीं था, और ना वो ये चाहती थी कि वो उस बैर को लेकर अपने साथ में जाए। अब उसने ये सोचा, और सबसे बड़ा गुस्सा तो इसको इस बात पे आ रहा था कि इस नॉटी बैर ने मेरी बात नहीं मानी, इसने मुझे डिसोबे किया है। सी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, मिनेंसिंग हिम विद हर पैरासोल। अब क्या होता है कि उसको जितना गुस्सा है ना, एकदम वॉइस को आगे बढ़ा के मतलब तेज करके, और उसने एकदम से अपना पैरासोल को दिखाते हुए, पैरासोल था एक अम्ब्रेला जो धूप वगैरह से बचने के लिए होता है, उसको दिखाकर उसने ऐसे बोला, अभी अभी घर चले जाओ। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज। वो एक बारी के लिए रुका और अपनी चालाक आंखों से उसकी तरफ देखने लगा, बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन वापस नहीं जाना चाहता था, एंड कीप्ड ऑन स्निफिंग एट हर, उसको वैसे ही सूंघता रहा। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, सी गॉट स्टिल मोर एंग्री एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल सो हार्ड दैट इट ब्रोक इन टू। अब जो लेडी है उसको ये देख के और भी गुस्सा आ गया कि उसकी जो नई कॉलर थी, मतलब जो भालू के गले के बाहर से जो कॉलर होती है ना, जो पैट्स में हम डालते हैं, डॉग्स के भी देखा होगा आपने, तो वो नई कॉलर जो उसने दिलाई थी उसे, वो भी अब गायब थी, तो उसको और गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि उसने अपना जो अम्ब्रेला ले रखा था ना, पैरासोल ले रखा था, उससे उसकी नाक पे इतनी जोर से मारा कि पैरासोल के दो टुकड़े हो गए।
ही स्टॉप्ड अगेन, शुक हिज हेड एंड ओपन्ड हिज बिग माउथ सेवरल टाइम एज इफ ही वॉन्टेड टू से समथिंग। और उसने अपना वो फिर से रुक गया भालू जो था, और अपना सर हिलाया, अपना बड़ा सा मुंह बहुत बार बीच बीच में खोला उसने, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो। देन ही टर्न अराउंड एंड बिगेन। फिर क्या होता है, आई थिंक मैं थोड़ा सा हम आगे पहुंच गए हैं। नो ओके, अब क्या हुआ कि उसने क्या किया कि वो कुछ कहना चाह रहा था। देन ही टर्न अराउंड एंड बिगेन टू सफल। और वो क्या हुआ कि फिर वो टर्न अराउंड करता है, मतलब पीछे की तरफ मुड़ता है, और अब सोचता है बैर कि जाना ही जाने में ही फायदा है। तो ये फॉरेस्ट का सीन है जहां पर जो है ये मिस्ट्रेस है, इसके हाथ में पैरासोल है, और यहाँ पे पीछे बैर है, ये जो अब जाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना ही पड़ेगा, बहुत डांट पड़ गई है मुझे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगेन इस पिक्चर में क्या होता है कि ये जो इसकी मिस्ट्रेस है वो बैर है, और उसकी मिस्ट्रेस घर पे पहुंच गई है, और मिस्ट्रेस की कुक भी खड़ी है। तो ये पिक्चर है, बैक द वे ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम। और जब वो वापस मुड़ा था ना वो बैर फॉरेस्ट में से वो वापस जाने के लिए, तो वो बीच बीच में मुड़ मुड़ के देख रहा था उस लेडी को कि वो दिख रही है या नहीं दिख रही है। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. तो जो लेडी है, जब वो वापस को शाम को घर आती है अपनी बहन के घर से, जब वापस आ जाती है तो वो देखती है कि अंदर घुसते ही कि बैर तो अपनी जगह पे ही बैठा है कैनल के बाहर, इसकी कैनल दिख रही है ना पिक्चर में, और इसके बाहर वो बैठा हुआ है आराम से। तो और ऊपर से वो सॉरी फील कर रहा है कि उसे बेचारे को नहीं लेके गए, वो बोर हो जाता। तो द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री। अब लेडी को अब भी गुस्सा आ रहा है कि वो मेरे पीछे कैसे आ गया। सी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सेवरली एंड सैड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जाती है उस बैर के पास में और उसको डांटती है और कहती है कि तुमने जो किया ना उसके लिए तुम 2 दिन के लिए और ज़्यादा चेन रहोगे, मतलब 2 दिन और चेन में बांध कर रखोगे। देखो ये बेचारा पहले से ही चेन में बंधा हुआ है, उसको और 2 दिन के लिए सजा सुनाई जा रही है। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बैर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। जो कुक होती है वो किचन में ये सब कुछ सुन रही होती है, वो बैर को ऐसे प्यार करती थी जैसे कि उसका कोई बच्चा हो, खुद का बेटा हो। तो वो ये सब कुछ सुनकर कि मिस्ट्रेस उसे डांट रही है, वो गुस्से में किचन से बाहर आती है। फिर क्या कहती है किचन से बाहर आकर, व्हाट आर यू सॉरी व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिसेस, सेड द कुक। कुक ने बोला कि तुम मिसेस इसको क्यों डांट रही हो। ही हैज बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ब्लेस हिम। तो उसने कहा कि इसे तो ब्लेस करना चाहिए, तो पूरे दिन इतना शरीफ, इतना सीधा साधा, इतना अच्छा बन के रहा जैसे कि कोई सोना हो। मतलब नहीं कहते एकदम सोने जैसा बच्चा है, तो उस तरीके से कि मतलब एकदम सोना हो, इतना मतलब शरीफ और अच्छे से बन के रहा है ये पूरे टाइम पे। ही हैज बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चिज एज मीक एज एन एंजल। और एकदम ये अपने हॉन्चिज पे ऐसे बैठा रहा, इतना शांत जैसे कोई एंजल हो। हॉन्चिस का मतलब जैसे ये अभी बैठा हुआ है ना, ये थाई वाला जो एरिया होता है इसके ऊपर बैठा हुआ है अभी, तो ऐसे ही पूरे दिन बैठा हुआ था मिस्ट्रेस। तो लुकिंग द होल होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक। और पूरे टाइम ये बेचारा गेट की तरफ देख रहा था कि मैम कब आएंगी, मिस्ट्रेस कब आएंगे, आप ही का वेट कर रहा था। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी एक्सेल मंथे की। इसमें क्या था कि जो बैर था वो यहाँ पर बैठा था, तो मिस्ट्रेस के पास में जो उधर जंगल में जो फॉरेस्ट में जो बैर था वो कौन सा था। थी ना वही वाली फीलिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। मतलब जो फॉरेस्ट में था ना वो वाइल्ड बैर था, और यहाँ पे इसका जो पैट बैर था वो यहीं पे बैठा था पूरे टाइम, जैसा कि कुक ने बताया कि उसने एक वाइल्ड बैर को अपना पैट बैर समझकर उसे डांटा, उसको खूब फटकारा, और इवन वो बेचारा चला भी गया
उसने कुछ किया भी नहीं। तो एक्चुअल में अगर आपसे कुछ ऐसा कि जो हम रियलिटी में तो नहीं सोच सकते, या फिर होशो आवास में, या फिर हमें सब कुछ पता होता है कि ये इतना डेंजरस है, हमारा पेट नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स वो शायद ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन अननोइंगली उसने एक वाइल्ड बैर को ऐसे डांटा जैसे उसका पेट बैर था। सो आपको इस स्टोरी हो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।